देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, आप सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए। सपोज करो हम आप और हम जो है, हमारी जो क्लास है मैथ्स की, हम इसमें एक टेस्ट लेते हैं। प्लीज इधर देख लीजिए सब बच्चे, ठीक है। और वो जो टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और सपोज करो हमारे पास टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। तो सपोज करके जो हमारे पास डेटा रिट्रीव होके आएगा, वो आएगा कि भाई हमारे पास जो मार्क्स थे, एक्चुअली अगर आप अपने क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को, मैथ्स को रियल लाइफ में सोचेंगे तो आपको वो फिर एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगेगा, पता नहीं कहाँ क्या बात हो रही है। आप फील करोगे कि अरे तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमें समझ में आ रहा कि भाई हमारे पास स्टूडेंट्स कौन से होंगे। अगर हम उनके ग्रुप बना दें कि भाई अच्छे स्टूडेंट्स कौन से हैं, पुअर कौन से हैं, कौन से अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में होंगे। सपोज करो कुछ स्टूडेंट 10 से 20 के बीच के में हैं, 20 से 30 के बीच में हैं, सपोज करो 30 से 40 के बीच में हैं, सपोज करो 40 से 50 के बीच में। दूसरी बात ये, आप सब बच्चे भी ध्यान रखा कीजिए प्लीज, कि हो सकता है कि ये टॉपिक आपने पढ़ लिया हो, ठीक है। तो उसमें इतनी जल्दबाजी में नहीं रहते कि मुझे नहीं पढ़ना है। इवन समटाइम्स मैं आपको पढ़ा दूं और आपके स्कूल टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, और फिर आप बिल्कुल डल होकर बैठ जाओ कि ये तो मैं सर से पढ़ चुका हूँ। हर टीचर के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश किया करो, क्योंकि हर टीचर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीजें समझाता है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है मैं अपनी क्लास में डिस्कस ना करूं, बट आपके स्कूल टीचर वो पॉइंट डिस्कस करें, अच्छा ये तो बहुत ईजी बता दिया सर ने। कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपके सर ने डिस्कस ना किया वो मैं बता दूं। तो आप अलर्ट होकर बैठा करो अगर आपको सीखना है, अगर आपको लेना है। हमें किसी ने एक बहुत अच्छी सी बात कही थी, अगर आपको किसी से कुछ नॉलेज लेनी है तो आप बिल्कुल अनजान बन जाओ, तब आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को समझा कि नहीं मैं तो सब जानता हूँ, तो फिर आप ध्यान रखिए सामने वाला जो आपको बताने जा रहा है उससे आप फायदा नहीं उठा। अक्सर आप लोग देखेंगे, मैं फिर वही कहता हूँ, लाइफ में सोचा करो, अक्सर आप लोग देखेंगे आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े होंगे सड़क पे चलते हुए, आपसे पूछने लगे लाजपत ने का बताओ किधर जा रहे हैं, आपने कहा आगे से लेफ्ट टर्न ले लेना, फिर उसके बाद राइट टर्न, उसने सुना अनसुना ओके 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 और वो आगे चला गया। मैं दावे से कह सकता हूँ 15 मिनट जाके फिर रुक जाएगा, अरे इस वाली रेड लाइट से टर्न लेना था या अगली से लेना, वहां से भी अगर उसने ऐसे ही पूछा फिर अगली पे रुक जाएगा। उससे अच्छा है भाई कि आप एक जगह रुक के पूछे। अब ये मत कह देना स्मार्टफोन है सर, वो स्मार्टफोन से देख ले। तो वो चीज मैटर करती है बेटे कि आप इंस्ट्रक्शंस को कितना प्रॉपरली समझ रहे हो। चलो पहले देखो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कि हमारे पास मार्क्स आ गए। अब हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी एफ कह देते हैं। तो हमारे पास हो सकता है 0 से 10 के बीच में 3 स्टूडेंट, और 10 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हों, और 20 से 30 के बीच में सपोज करो 4 स्टूडेंट, और 30 से 40 सपोज करो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हों या 8 स्टूडेंट्स हों। ये हमारे पास है, यहाँ पे हम कुछ कम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 20 ऑलरेडी हो गया, हम कम कर लेंगे हमारी मर्जी है। तो यहाँ हमारे पास 2 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेटा है। हम डेटा प्रेजेंटेशन की बात करें कि हम कितने डिफरेंट वेज में अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है, आप लोगों ने 9th में एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखी थी पॉलीगन बनाने, उसका क्या मतलब है वो समझिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम करना, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, होता क्या है वो, कैसे करते हैं वो तो सबको पता है भाई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 आएगा, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 + 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 + 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। एक तो ये फ्रीक्वेंसी है, हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी को ऐड कर सकते हैं, और ये वाली फ्रीक्वेंसी जो कहलाती है ये कहलाती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हम बताएंगे क्यों। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी को नीचे से भी ऐड करते हैं। नीचे से ऐड करने का मतलब क्या है, हमने पहले एज इट इज 2 लिया और 2 में फिर +6 किया तो 2 + 6 8 हो गया, 8 + 4 किया तो 12 हो गया, 12 + 5 किया तो 17 हो गया, 17 + 3 किया तो 20 हो गया, और इसको हम कहते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोनों के मतलब क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है, आप एक तो डेटा आपने प्रेजेंट कर दिया ग्रुप्स में कि भाई हमारे पास, पहला आप फर्स्ट वाला टेबल देखो, इसको अभी अलग अलग भी बनाएंगे,
फर्स्ट वाला टेबल देखो, हम कह रहे हैं कि हमारे पास वो स्टूडेंट बताओ जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में 3 है, अच्छा तुम बैठ जाओ। वो वाले स्टूडेंट बताओ जिनके मार्क्स 10 से 20 के 5 है, सर बैठ जाओ। अच्छा 20 से 30 के बीच में 4 है, अच्छा बैठ जाओ। तो वो आपने अलग अलग क्लासेस बता दिए। लेकिन सपोज करो आप ये कहने लगो कि भाई मुझे वो स्टूडेंट्स बताओ जिनके मार्क्स 10 से नीचे हैं, बिलो 10 कौन कौन से बच्चे हैं। अब बिलो 10 में 3 स्टूडेंट्स खड़े हुए। अब आपने कहा अच्छा 3 बिलो 10 में तो 10 3 ही हैं, अच्छा बिलो 20 बताओ कितने हैं। तो जब आप ये कहते हो बिलो 20 बताओ, तो क्या बिलो 20 में बिलो 10 वाले भी आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ जी सर आएंगे। हम तो ये कह रहे हैं, अच्छा जैसा क्लास में कभी कभी टीचर बोलते हैं भाई मुझे नहीं पता किसके कितने मार्क्स आए, बस मुझे तो बताओ 40 से ऊपर वाले कितने आए। तो इसका मतलब 40 से नीचे वाले हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसा अगर हम बात करें तो कहाँ यूज होता है, जैसा अगर हम अभी इकोनॉमिक की बात चल रही थी और 20 लाख करोड़ हमारा उसको वो दिया गया सब सपोर्ट दी गई, तो भाई जो हमारी जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है जिनकी 10 लाख से सैलरी ऊपर है उनकी हम बात नहीं। तो आपने अलग सा कर दिया ग्रुप, बाकी सब नीचे छोड़। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि लेस देन 20 वाले बताओ, तो सर लेस देन 20 वाले 8 है। अच्छा नहीं लेस देन 30 वाले बताओ, ये वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 30 से नीचे हैं। तो आप टेबल में देखते ही बता सकते हो कि भाई लेस देन 30 12 है। नहीं अच्छा वो बताओ जो लेस देन 40 है जिनके मार्क्स 40 या बिलो 40 है, यस दे आर 18। आपसे कहा जाए नहीं बिलो 50 और बिलो 50 द होल क्लास 20 स्टूडेंट्स, दैट इज इट, दैट इज कॉल्ड द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप ऊपर वाला फर्स्ट वाला तो 3 रहेगा, ऊपर से आप ऐड करते चले जाएंगे। लेकिन आपसे ये भी तो कह सकता है मुझे वो स्टूडेंट्स बताओ जिनके मार्क्स 0 या 0 से ज्यादा है, 0 एंड अबव 0, तो वो कौन है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हैविंग मार्क्स आइदर 0 और मोर देन 0? 20, दैट इज द होल क्लास, दैट इज द होल क्लास। तो 20 स्टूडेंट्स आर देयर इन माय क्लास, मैं सीरीज ही बात है 0 0 से ज्यादा। लेकिन मैं कहूं नहीं मुझे तो वो बताओ जिनके मार्क्स 10 से ऊपर है, अबव 10, how many students are there above 10? 17. above 20? 17. above 20? 12. above 30? 12. above 30? 8. above 40? 2. that's it. ye hamare paas, ab aapke paas jo do question bante hain bete, do cheez, pehla aapke paas hai frequency table, please dhyan se dekhiye, ab yahan se mujhe question batana tha। पहला हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी टेबल, आपसे कहता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करिए, या आपसे कहता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करिए। फिर दूसरा होता है नहीं मुझे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है और आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी टेबल करिए, तो दोनों पार्ट करके देखते हैं होता क्या, ये बस समझाना था। फिर इस पे बेस क्वेश्चन आ जाएंगे, ओजाइव आए, मीन आए, मीडियन आए, अगर आप कन्वर्ट करना जानते हैं तो इजीली आप कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, ये मेरे पास क्लास है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सपोज करो 3, 12, 15, 5, 2, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करिए। Less than cumulative frequency table. Please mic को mute करिए बेटे, अगर पीछे से आवाज आ रही है background से। तो yes, आपसे कह रहे हैं less than cumulative frequency table form करिए, तो आपकी जो classes होंगी वो भी आपको उसी form में लिखना होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, जब आप less than की बात करोगे, please सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, जब आप लेस देन की बात करोगे तो आपके पास जो पहला क्लास साइज है वो है बेटे 0 या 20। अब अगर आपने यहां ये कहा, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा द स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स 0 और लेस देन 0, 0 और लेस देन 0, ठीक है, या कहीं पे लिखा हो सकता है बिलो 0, तो क्या कोई सेंस बनता है कि 0 से नीचे भी कोई स्टूडेंट होगा? हाँ भाई, अगर अगर हम टेबल अपनी बनाएं
और हम कहें कि भाई वो स्टूडेंट बताओ जिनके मार्क्स जीरो से नीचे हों, क्या कोई सेंस बन रहा है? नो सर, नहीं बिल्कुल नहीं बन रहा। तो इसका मतलब जीरो को यूज नहीं करना है। तो अगर जीरो को यूज नहीं करना है तो फिर किसको यूज करना है? तो फिर यूज करना है 20 को। तो इसका मतलब यह है, जब आप लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे तो हमेशा अपर लिमिट को यूज करोगे। किसको यूज करोगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब बिलो 20, बिलो 40, बिलो 60, बिलो 80 एंड बिलो 100। कुछ बात समझ में आई आप बच्चों को? कि अगर आपको लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो लेस देन इक्वल्स टू 20, लेस देन इक्वल्स टू 40, लेस देन इक्वल्स टू 60, लेस देन इक्वल्स टू 80, लेस देन इक्वल्स टू 100। और दूसरी बात यह है, शोएब आपकी बहुत आवाज आ रही है बेटे, प्लीज माइक को म्यूट कर, जब आप बोल रहे हो तब ऑन कर लिया कीजिए, अदरवाइज फिर से ऑफ कर जी। बिलो 20, अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो बस फ्रीक्वेंसी बेटे ऊपर से स्टार्ट करना है 3 से, और प्लस करते जाना है 3 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 2। ये आपकी टेबल आएगी लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगर आपको लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो यू हैव टू यूज अपर लिमिट्स एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी एंड जस्ट ऐड देम। जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है 3 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 2, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये हमारे पास है लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 टू 100। ये हमारे पास क्लास है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 3, 12, 15, 5, 2। अब हमसे कह रहा है मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए, more than cumulative frequency table बनाइए। Please अभी मेरी क्लास हो रही है, थोड़ा सा दूर रहिए, थोड़ा सा please, thank you। More than cumulative frequency table आपको form करने को कह रहा है। अब मैं आपसे फिर दोबारा से वही question पूछ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि भाई 20 and above, मैंने क्या लिखा? मेरे पास पहला जो class है वो 0 से 20 है, और मैं यहाँ use करने लगूँ कि भाई marks जो है 20 and above, 40 एंड अबव, तो क्या हमने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे? 30 एंड अबव नहीं, मुझे बताइए ना, 30 तो मैंने बताया। आपने अगर यहाँ पे स्टार्ट अपना जो डेटा किया है वो 20 एंड अबव से किया है, तो जो बच्चे 0 से 20 के बीच में थे वो तो रह गए ना? यस सर। हाँ बेटे, अगर आपने 20 से ऊपर से लेना शुरू कर दिया तो जो स्टूडेंट 0 से 20 के बीच में थे वो आपका रह गया। अगर वो आपका रह गया तो आपको जो स्टार्ट करना था बेटे वो 0 एंड अबव से करना है, 0 एंड अबव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना हो तब आपको लोअर लिमिट यूज करना पड़ेगा। कौन सा यूज करना पड़ेगा? लोअर लिमिट, 0 एंड अबव, 20 एंड अबव, 40 एंड अबव। प्लीज ध्यान से देखो कहां पे जाके इसमें वो आएगा, 60 एंड अबव, ठीक है, 80 एंड अबव। तो क्या यहाँ पे 100 एंड अबव पॉसिबल है? नो सर, नो, क्योंकि आपके पास 80 तक ही था। अगर आप लोअर लिमिट चेक करोगे तो 100 तो पॉसिबल नहीं है, 100 से ऊपर तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है, जब मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल लेंगे तो लोअर लिमिट यूज होगा, जब लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल लेंगे तो अपर लिमिट यूज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, इतना तो आइडिया हमें हो ही गया कि 0 एंड अबव में पूरी क्लास आ गई। अगर पूरी क्लास आ गई, पूरी टेबल आ गई, तो एक तो तरीका यह है कि पहले मैं इनको ऐड कर लूं, 3 प्लस 12 प्लस 15, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मैं पहले ऐड करूं 3 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 2, यानी कि 3 प्लस 12 15, 15 15 30, 35 37, तो यहां मैं लिखूं 37, फिर मैं दोबारा से ऐड करूं कि नहीं 12 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 2, फिर ऐड करूं। इससे अच्छा क्या है, मैं ऊपर से ऐड ना करके मैं नीचे वाले कॉलम से स्टार्ट करूं। 80 एंड अबव में कितने बच्चे हैं मुझे बता सकता है कोई?
टू यस तो अपनी टेबल आप बॉटम से स्टार्ट करो 80 एंड अबव 2 अब 2 प्लस 5 करो 2 प्लस 5 कितना आएगा 7 7 प्लस 5 करो 22 प्लस 12 करो 34 प्लस 3 करो 37 दैट्स इट तो ये आपके पास बनेगा मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या सब बच्चों को क्लियर है यस सर सबको क्लियर है तो पहला पार्ट भी इस पे औजाइक बनेगा इस पे बनेगा औजाइक बिल्कुल सिंपल अगर आपने टेबल को कन्वर्ट करना सीख लिया तो ग्राफ तो बिल्कुल खत्म हो गया बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया आपसे क्या कहता है औजाइक बनाइए औजाइक क्या होता है एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को कहते हैं ऐसा डेटा जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होती है अगर लेस देन पे बना रहे हो तो उसे कहते हैं लेस देन औजाइक चलो खत्म ही कर देते हैं इसको तो उसे कहते हैं लेस देन औजाइक अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का कर्व बना रहे हो अगर मोर देन पे बना रहे हो तो उसे कहते हैं मोर देन हो जाए ये हमारे पास है तो लेस देन मोर देन होता क्या है वो देख लीजिए बिल्कुल खत्म हो गया ये टॉपिक तो चलो ग्राफ तो यहीं से खत्म कर देते हैं मीडियन बचेगा हमारे पास क्या है आपको जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है या इवन आपने तो स्टेटिस्टिक्स में बनाया है बार ग्राफ बनाया आपने हिस्टोग्राम बनाया आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया आपने तो आपके पास क्या होगा आपके पास एक ग्राफ होगा अच्छा ये है कि आप ग्राफ शीट पे ही बनाइएगा हमारे पास भी ग्राफ है तो कंप्यूटर पे हम भी बना सकते हैं लेकिन फिलहाल ऐसे ही रफ बना रहे हैं ये हमारे पास x एक्सिस हो जाएगा ये हमारे पास y एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस पे हमारे पास क्लास आएगी तो क्लास अगर आप देखोगे लेस देन में तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20, 40, 60, 80, 100 तो आपको पता है अगर जीरो से स्टार्ट नहीं होता है तो हम ब्रोकन लाइन से स्टार्ट करते हैं किंग जिसे आप बोलते हो तो यहाँ पे आप इस तरह से कुछ मार्क कर दोगे और यहीं पे ले लीजिए 20 यहाँ ले लीजिए 40 यहाँ ले लीजिए 60 यहाँ ले लीजिए 80 और यहाँ ले लीजिए 100 और अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे 100 नहीं फ्रीक्वेंसी बेटे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 37 लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है बेटे वो 37 तो मुझे 37 तक चाहिए तो अगर मुझे 37 तक चाहिए तो आप अपनी टेबल उसी हिसाब से ब्रेक करोगे कि मैं 5 का गैप लूं या 2 का गैप लूं या किसका लूं तो 5 का ले लेंगे तो 7 पार्ट्स में आ जाएगा यानी कि हम पहली लाइन को जैसा यहां पे हमने लिया है तो यहां हम ले सकते हैं 5 यहां हम ले सकते हैं 10 यहां हम ले सकते हैं 15 यहां पे हम प्लस 20 25 30 35 और ये हमारे पास हो गया 40 ठीक है सिर्फ उठा के पॉइंट्स रख दीजिए आपका औजाइक बन गया 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है बहुत ही सिंपल तो आपके पास 20 पे कितना प्लेस आना है 3 तो आपके पास तो ग्राफ में वहां पे शेड्स होते हैं लाइंस होती हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई यहां अगर 5 है तो 3 कहीं यहां कहीं होगा मैं सिर्फ फिलहाल आइडिया से ही ले रहा हूं अच्छा 40 पे कितना आना है 15 तो 40 पे 15 कहीं यहां आएगा अच्छा 60 पे कितना आना है 30 तो 60 पे 30 कहीं यहां आएगा समझ में आ रहा है ना बेटे सब बच्चों को 80 पे कितना आना है 35 तो 80 पे 35 यहां आएगा और 100 से कितना आना है 37 तो 37 के 35 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा अब आप इसको सिर्फ मर्ज कर दें अब आप सिर्फ इसको स्केल से मर्ज कर दीजिए ये आ गया तो इसे कहते हैं आप लेस देन औजाइक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इस लेस देन औजाइक में हाँ भाई किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नो सर नो सर अब यहाँ एक चीज सीख लीजिए प्लीज एक चीज सीख लीजिए कभी कभी आपसे कहता है कि सर औजाइब से मीडियन निकालिए अभी मीडियन हमने पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी वाला जो थर्ड एक्सरसाइज है अभी ऐसे ही सीख लीजिए एक्चुअली क्या होता है जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 37 उसको हम कहते हैं एन उसको हम क्या कहते हैं एन कहते हैं सर एन तो यहां हम फाइंड करेंगे एन बाई टू n/2 37/2 होगा 18.5 तो ये 37/2 हमारा जो है y एक्सिस पे है तो 18.5 ढूंढो कहाँ है तो 18.5 कहीं यहाँ 15-20 के पास होगा और ग्राफ शीट पे लाइंस होती हैं तो हम ये चेक करेंगे कि ग्राफ यहाँ ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है तो ग्राफ को कट कर रहा है इस पॉइंट पे इस पॉइंट तो यहाँ से अगर हम x एक्सिस पे डालेंगे और वो जहां पे भी ड्रॉप हो रहा होगा
तो वो वाला पॉइंट हमारा मीडियन होगा। सपोज करो ये 41 पे हो रहा है, तो आसानी से हमें पता चल गया कि मीडियन इज 41। ये बात सब बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? फाइंडिंग मीडियन थ्रू द ग्राफ और जाए, इनको नेगेटिव या पॉजिटिव होना जरूरी है? इसको नेगेटिव, किसको पॉजिटिव? सॉरी ऑडियो इवन लाइक अगर नहीं यहाँ उससे कोई बात बेटा, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो यहाँ ऑड इवन का कोई काउंटिंग नहीं है, मीडियन में काउंटिंग नहीं होता, वो सिर्फ अनग्रुप डेटा में होता है ऑड इवन। अभी पढ़ेंगे, अभी तो मैंने आपसे कहा ना 14.3 हमने कराई नहीं, अभी तो बस ये आता चला गया, तो मैं चलो मैंने कहा बता दूंगा, इसे दोबारा पढ़ेंगे जब ओजाय वाला टॉपिक आएगा, मीडियन वाला टॉपिक आएगा वहां करेंगे, बट यहां से एक आईडिया। अब यहां पे अगर आप चेक करोगे तो मोर देन ओजाय की टेबल है हमारे पास सेम, बिल्कुल इसी डिक्टेट फॉर्मेट में आप जाके प्लेस करते चले जाओ। आपके पास क्या है, अब आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या डेटा बनाओगे अपना? ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका जीरो हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 80 हो गया। जीरो पे जो है आपके पास 37 है, अगेन आप मार्क कर सकते हो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो आपको चाहिए 37, तो 37 कहीं ऊपर होगा, 35 के बाद कहीं यहाँ जीरो पे ये पॉइंट आएगा, 20 पे जो पॉइंट आएगा वो 34 होगा, 34 कहीं यहाँ आएगा, 40 से 22 लेना है, 40 से 22 आता है ना ग्राफ, थोड़ा सा आइडिया तो है ना आप सब बच्चों को? यस सर। 60 से 7 yes, आएगा और 80 पे 2 आएगा, तो 2 कहीं यहाँ होगा, तो फिर आप इनको मिलाते चले जाइए, तो ये आपका कहलाएगा मोर देन हो जाएगा। ये सारे ग्राफ आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें आता है सब सारे ग्राफ। अगेन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो सम है वो हमारे पास 37 है, तो एन हमारा 37 है, तो एन बाई टू हमारा 37/2 18.5 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे 18.5 ढूंढो कहाँ होगा, 15 और 20 के बीच में होगा, ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसको अगर फिर आप ड्रॉप करेंगे तो अगेन वही सेम पॉइंट पे आएगा, तो मीडियन आपका हो जाएगा समथिंग 41। तो आज आप सब बच्चों को सिर्फ इतना ही करना है, आप सब बच्चों को मॉड की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, उसमें सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है? हमारे पास कितने क्वेश्चन है मॉड में, शायद मॉड में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 3 एग्जांपल्स हैं और 5, 6 क्वेश्चंस हैं, तो 3 + 6 9 क्वेश्चन सिर्फ है, और ये मैं आपके पास भेज रहा हूँ PDF बना के, तो इसमें जो हमने ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, इसको आपको फॉर्म करना सीखना है, इससे वापस हम फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, तो मीडियन हो जाए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर जी? यस सर। ठीक है, 10 मिनट बाद फिर मैं ज्वाइन करूंगा, अगर किसी बच्चे को भी कुछ भी डाउट पूछना है तो वो 10 मिनट बाद, नमाज पढ़ लो नमाज के फौरन बाद इंशाल्लाह, ठीक है, या अभी तो रोजान नहीं है, तो अगर आपको किसी को पूछना है तो वो क्लास में रुक सकता है, बाकी सब थैंक यू सो मच बोल सकते हैं, ठीक है।